शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां गीत गायन और स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर मनाया गया। इस मौके पर अतिथियों के अमृत वचन के साथ अनुभाग कन्नौज में उत्कृष्ट कार्य करने पर ISO पुरस्कार SDM प्रिया वर्मा और तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पनिका को विधायक आशीष शर्मा के द्वारा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं सहित अधिकारी कर्मचारी एवं शिक्षक शिक्षिकाएं जनप्रतिनिधि पार्षदगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य लखन सोलंकी के द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पनिका के द्वारा माना गया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है और इसने एक विकसित प्रदेश की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। आज मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड पुरस्कार मिला है। हमारे यहाँ लगभग 44 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मियाँ हैं। सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश ने अपने विकास के मामले में पूरे भारत में अपना एक अनूठा स्थान निर्मित किया है। विविधताओं भरे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस पर हम यही संकल्प लेते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम प्रदेश बनाना है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश का हर नागरिक अपने हिस्से का योगदान प्रदेश के विकास में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।